स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले दोस्तों दो शेयर के बारे में दोस्तों, जे एक है डी मार्ट और दूसरा है रिलायंस रिटेल। दोस्तों रिलायंस रिटेल तो अभी लिस्टेड भी नहीं है दोस्तों कंपनी, मगर ये कंपनी डी मार्ट से कई गुना ज़्यादा बिजनेस करती है दोस्तों, बिजनेस भी करती है, उनके स्टोर भी ज़्यादा है और ये ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। और अभी आप रिलायंस पे फोकस कर सकते हो क्योंकि डी मार्ट और रिलायंस की शेयर में बहुत ही अभी डिफरेंस है दोस्तों। आप कंपेयर करोगे तो डी मार्ट का शेयर बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, 3-4 थाउजेंड के आसपास डी मार्ट का शेयर है और 2500 के आसपास रिलायंस का शेयर है दोस्तों। तो रिलायंस का शेयर आपके पास होगा अगर शेयर डी मर्ज हो गया है दोस्तों, रिलायंस अपने शेयर को डी मर्ज करके अलग से लिस्ट करेगा तो रिलायंस के पास जिसके भी शेयर जिसके पास भी रिलायंस के शेयर होंगे दोस्तों, उसको रिलायंस रिटेल के कुछ तो शेयर मिल ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि डी मर्ज करने के बाद उनको कुछ शेयर देने ही पड़ेंगे रिलायंस के शेयर जिसके पास भी है उसको रिलायंस रिटेल के शेयर देने पड़ेंगे, अदरवाइज ये कंपनी अलग से लिस्ट करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। डी मर्ज करेंगे तो आपको शेयर मिल ही जाएंगे और डी मर्ज से वैल्यू अनलॉकिंग होगी दोस्तों। और रिलायंस रिटेल का ग्रे मार्केट शेयर प्राइस भी है दोस्तों, अभी इस आप ये वीडियो पूरी देखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा दोस्तों। डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों हम दोनों का। अभी हम आते हैं डी मार्ट पे, आप देख सकते हो डी मार्ट राइज ड्यू टू हेवी डिस्काउंट। डी मार्ट अभी बढ़ चुका है क्योंकि डी मार्ट बहुत बड़ा डिस्काउंट देता है दोस्तों, डे टू डे यूज होने वाले प्रोडक्ट इसेंशियल प्रोडक्ट में डी मार्ट डिस्काउंट देता है। इस वजह से मिडिल क्लास इंडियन लोग ऑर्गेनाइज रिटेल में अपना पूरा सामान खरीदने के लिए जाते हैं दोस्तों, 1 मंथ का पूरा ग्रॉसरी खरीद के लगते हैं। बट नाउ अभी रिलायंस रिटेल इज विद डीप पॉकेट एंड फ्यूचर ग्रुप कैन इजिली आउटबीट डी मार्ट। तो रिलायंस रिटेल और इजिली डी मार्ट को आउटबीट कर सकता है ऐसे मान रहे दोस्तों। आफ्टर द ट्रांजेक्शन रिलायंस रिटेल विल बी 2.5x लार्जर देन डी मार्ट इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू में 2.5 गुना ज़्यादा बिजनेस करता है दोस्तों डी मार्ट से रिलायंस रिटेल। और देखिए इंडियन रिटेल इंडस्ट्री हैज़ डेवलप एज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड फास्ट पेस इंडस्ट्री, गेन 5th पोजीशन इन वर्ल्ड रिटेल स्पेस। रिटेल इंडस्ट्री में इंडिया दुनिया की 5वीं पोजीशन पे है दोस्तों, इतना रिटेल बड़ा बिजनेस है दोस्तों इंडिया में, क्योंकि इतने पॉपुलेशन ही है दोस्तों इतनी, तो इसी वजह से रिटेल बिजनेस यहाँ पे जबरदस्त चल सकता है दोस्तों। एंड द एक्विजिशन ऑफ किशर बियानी फ्यूचर ग्रुप बाय द कॉल क्लोजेस रिलायंस रिटेल 24,731 करोड़ शेल बी मेक डी मार्ट एट दिस सेकंड इन लार्जली। दूसरा डी मार्ट सेकंड है दोस्तों और एक नंबर पे रिलायंस रिटेल है दोस्तों। रिलायंस रिटेल और डी मार्ट ये दोनों ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, और इनके बाद आती है जो भी है मार्केट में ट्रेंट है बहुत सारी है दोस्तों, और तो उसमें ये दोनों आगे है दोस्तों। और किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर ग्रुप के कुछ एसेट एक्वायर करने के बाद रिलायंस रिटेल और बड़ा हो चुका है दोस्तों, और 3 to large नेशनल प्लेयर्स है दोस्तों। आप सभी को पता है बहुत सारे प्लेयर्स है रिटेल बिजनेस में। डी मार्ट ओन दियर ओन स्टोर्स, आप सभी को पता है रिलायंस काम करता है दोस्तों, जो भी ये बड़े बड़े मॉल्स वगैरह उसमें वो रेंट पे लेते हैं और अपने ये शोरूम वगैरह डालते हैं दोस्तों, अपने जो भी स्टोर्स है वहाँ पे डालते हैं, तो रेंट पे लेती है डी मार्ट, तो इसकी वजह से उनका थोड़ा सा प्रॉफिट घटता है दोस्तों। डी मार्ट क्या करता है दोस्तों, जगह जगह अपनी पूरी लैंड खरीद लिया दोस्तों, और अपने ही लैंड पे खुद स्टोर खड़ा करता है दोस्तों, इस वजह से डी मार्ट के स्टोर में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है आपको। डी मार्ट की शेयर में आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी। सो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी दे हैव वेली हेल्थी बैलेंस शीट, हेल्दी बैलेंस शीट है दोस्तों डी मार्ट की। और रिलायंस एंड फ्यूचर ऑपरेट शॉर्ट टर्म लीज मॉडल, द कॉस्ट स्ट्रक्चर इज हेवी ड्यू टू लीज पेमेंट एंड डी मार्ट स्कोर प्रीमियम वैल्यूएशन एंड इज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। कंज्यूमर पॉइंट व्यू से डी मार्ट ऑफर डे टू डे आइटम बेस्ट रेट पे डी मार्ट अवेलेबल करता है दोस्तों। दियर एक्सपीरियंस इज राइट फ्रॉम द डे ऑफ 2002 से ये कंपनी यही काम कर रही है दोस्तों। व्हेन दे ओपन फर्स्ट स्टोर इन हीरा नंदानी, इन्होंने एक स्टोर ओपन किया था मुंबई में दोस्तों, और वहाँ से ये अभी बहुत स्टोर पे जा चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हो अभी टिल डेट इनके 284 स्टोर है दोस्तों, और ये पूरे इंडिया में फैल चुके हैं अभी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, सभी स्टेट में जा चुके हैं दोस्तों। अभी हर स्टेट में ये अवेलेबल है डी मार्ट, और रिलायंस तो ऑलरेडी है ही दोस्तों, और 2002 से ये कंपनी काम कर रही है दोस्तों मार्केट में। और आप देख सकते हो 2006 से रिलायंस रिटेल तो बहुत पहले से है दोस्तों, मगर 2006 से ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हो रिलायंस रिटेल हैज ग्रोन टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट रिटेलर, डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू इट कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। तो ये अनमैच्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी जबरदस्त है दोस्तों। और देख सकते हो इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेल ब्रांड जियो मैट, सर्विंग ओवर 200 सिटीज, 200 सिटी में ये अपने ग्रोसरी रिटेल ब्रांड प्रोडक्ट सर्व करते हैं दोस्तों। और इंडियाज लार्जेस्ट फैशन डेस्टिनेशन रिलायंस ट्रेंड, 1900 स्टोर्स। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये सब कुछ रिलायंस रिटेल में ही ऐड है दोस्तों, रिलायंस फैशन जो भी ये ग्रोसरी बिजनेस है ये सब रिलायंस रिटेल में ऐड है दोस्तों। और रिलायंस रिटेल हैज मोर देन 150 मिलियन लॉयल कस्टमर्स बाइंग अक्रॉस इट फॉर्मेट्स, रिकॉर्डेड मोर देन 640 मिलियन फुट
फुटफॉल्स अक्रॉस ऑल इट्स स्टोर्स इन FY 2022, और स्केल भी बहुत कर रहे हैं दोस्तों, विथ ओवर 1 लाख ट्रांजेक्शन पर हावर इनके 1 लाख ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों। रिलायंस रिटेल ऑपरेट एट अ स्केल अनपैरेलल इन द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री एंड कंटिन्यू टू एनरिच द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस इन एवरी डे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ये अपने स्टोर में अभी ये कर रहे हैं दोस्तों, और इस वजह से इनके ट्रांजेक्शन भी बहुत बढ़ गए दोस्तों। 1 लाख पर डे पर हावर 1 लाख पर हावर ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, तो कितना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है सोचिए दोस्तों। और ये हर इसमें अभी एंटर कर रहे हैं दोस्तों, लाइफ स्टाइल फैशन एंड लाइफ स्टाइल कंजम्पशन बास्केट, रिलायंस रिटेल ऑपरेट पोर्टफोलियो आप देख सकते हो, ये लग्जरी सेगमेंट में है। रिटेल ऑपरेट ट्रेंड, वुमन ट्रेंड, मेन्स ट्रेंड, फुटवेयर, प्रोजेक्टिवा, ज्वेलरी, हेमले फॉर्मेट, मार्क्यू, अरमानी, इंटरनेशनल ब्रांड भी बहुत सारे दोस्तों इनके पास, अरमानी, बर्बेरी, डीजल, गैस, मार्क, स्पेंसर, स्पेंडरी, ब्रुक ब्रदर्स, ट्यू मैडम, ये बहुत सारे ब्रांड इन्होंने एक्वायर भी कर लिए दोस्तों कुछ तो। और रिलायंस रिटेल रिपोर्टेड टर्न ओवर 1,57,000 करोड़ का इन्होंने अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में पोस्ट किया था दोस्तों, टर्न ओवर रेवेन्यू भी बोल सकते हो। और रिलायंस रिटेल ऑपरेट करता है दोस्तों 12,711 स्टोर्स दोस्तों, और आप देख सकते हो डी मार्ट और रिलायंस में कितना बड़ा गैप है दोस्तों, 12,700 स्टोर है दोस्तों इनके, और डी मार्ट के तो अभी 284 स्टोर हुए दोस्तों, 284 कहाँ और 12,700 स्टोर कहाँ दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। और रिलायंस एक दिन आपको बहुत बड़ी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों, तो आप रिलायंस शेयर पे फोकस कर सकते हो, रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। अक्रॉस 7,000 सिटीज विथ रिटेल एरिया ओवर 33.8 मिलियन स्क्वायर फीट इन्होंने अभी तक एरिया एक्वायर किया है दोस्तों अपने स्टोर्स के लिए। और रिलायंस रिटेल में आप देख सकते हो रिलायंस वेंचर लिमिटेड सब्सिडरी है दोस्तों इसकी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ रिलायंस रिटेल लिमिटेड विच ऑपरेट द रिटेल बिजनेस, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसकी सब्सिडरी है। डीमर्ज करेंगे तो इनको रिलायंस के शेयर जिसके पास ही है उसको रिलायंस रिटेल के भी शेयर देने पड़ेंगे दोस्तों। और देख सकते हो रिलायंस रिटेल में कौन कौन से बिजनेस आते हैं, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, जियो मार्ट, रिलायंस डिजिटल, जियो स्टोर्स, रिलायंस ट्रेंड, कंज्यूमर ब्रांड्स बहुत है दोस्तों, ट्रेंड फुटवेयर, रिलायंस ज्वेलरी, प्रोजेक्ट ईवे, 7-Eleven, रिलायंस कंज्यूमर, रिलायंस ट्रेंड, हेमले, रिलायंस ब्रांड, रिलायंस मॉल्स, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों इनकी इसमें। और द कंपनी एंड सब्सिडरी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फाउंड इन 2006 में, एक इन्होंने अभी सब्सिडरी स्टार्ट किया रिलायंस रिटेल, अदरवाइज रिलायंस में ही बिजनेस करते थे दोस्तों, वो रिटेल का भी इन्होंने अलग से कंपनी करके उस सब्सिडरी बना के फिर इन्होंने रिलायंस रिटेल को अंडर ये सब बिजनेस डाल दिया है दोस्तों। और देख सकते हो इट्स रिटेल आउटलेट ऑफर फूड, ग्रोसरी, अपेरल, फुटवेयर, टॉयज, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी प्रोडक्ट डी मार्ट भी बेचती है दोस्तों और रिलायंस रिटेल भी बेचती है, बस इनके स्टोर ज्यादा है उनके स्टोर कम है, वो लीज पे नहीं लेते, ये लीज पे लेके अपना बिजनेस ज्यादा फैला दिया है इन्होंने और वो लीज पे नहीं लेते, तो इस वजह से उनका बिजनेस थोड़ा सा लिमिटेड है, मगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है इनसे, रिलायंस रिटेल से भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों इनकी। और आप देख सकते हो रिलायंस रिटेल का शेयर चल रहा है दोस्तों फेस वैल्यू 10 है, और इसका अभी ग्रे मार्केट में चल रहा है दोस्तों 3,400 पर इक्विटी शेयर, तो 3,400 रुपीज़ पे चल रहा है दोस्तों, और रिलायंस का शेयर अभी 2,500 रुपीज़ पे मिल रहा है, तो डीमर्ज के बाद आपको अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगी दोस्तों, तो इस शेयर का इस मौके का फायदा उठाइए दोस्तों और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और आप देख सकते हो अभी एवेन्यू सुपरमार्केट, तो डी मार्ट का शेयर प्राइस एवेन्यू सुपरमार्केट नाम से चलता है दोस्तों, और आप देख सकते हो 3,955 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है दोस्तों, और ये 5,000 को टच किया था इसने और ये क्रैश हुआ था और फिर बाद में अभी रिकवरी कर लिए इसने और ये 4,000 रुपीज़ तक आ चुका है दोस्तों अभी ये शेयर, तो ये शेयर 4,000 रुपीज़, और रिलायंस रिटेल देखिए अभी भी 3,400 रुपीज़, और आपको रिलायंस लेना है दोस्तों, रिलायंस रिटेल तो मिलेगा नहीं आपको, ग्रे मार्केट में चल रही है, और ग्रे मार्केट से खरीदने से अच्छा आप रिलायंस खरीद लो अभी, रिलायंस डीमर्ज जब करेगा रिलायंस रिटेल तब आप वैल्यू अनलॉकिंग में आपके पास बहुत पैसा बन सकता है दोस्तों, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं दोस्तों, दोनों शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करने वाले हो डी मार्ट में, तो डी मार्ट और रिलायंस दोनों शेयर बराबर खरीद लीजिए, 5,000-5,000 इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे में आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।